जिला मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स की गायी कव्वाली अल्लाहू अकबर को लेकर बीजेपी लगातार विरोध जता रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार से इसको लेकर हिंदुओं से माफी मांगने की बात भी कह रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे कलाकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन मंडी का शिवरात्रि महोत्सव देव परंपराओं के लिए समर्पित रहता है। वहां पर इस तरह की कव्वाली का आयोजन नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक संध्या में अल्लाहू अकबर की कव्वाली का आयोजन होना हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति और हिंदुओं का अपमान है। विस्तार से सुनिए क्या बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मेरा कलाकारों के प्रति सम्मान है, सबके प्रति, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली संध्या, अच्छा होता कि ये शुरुआत जो है देव संस्कृति को सम्मान करते हुए ऐसे कलाकार के माध्यम से की होती, जिसमें देव संस्कृति का भी सम्मान होता, आदर होता, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या हमारे भारत की संस्कृति और सारी चीज को लेकर के ऐसे कलाकारों को बुलाए होता तो अच्छी शुरुआत होती। तो शुरुआती दौर पर इस प्रकार से ये सारा करना, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा नाराजगी लोगों के बीच में है। लोगों ने रिएक्ट किया है और जो रिएक्शन है, और मैं समझता हूँ उस रिएक्शन में कलाकारों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करते हुए, लेकिन अगर शुरुआत उस तरह से की होती देव संस्कृति को सम्मान करते हुए तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी धर्म निरपेक्ष समाज में विश्वास रखती है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। भाजपा के आरोपों में उनकी सोच दिखती है जो समाज के हित में नहीं है। क्या बोले नरेश चौहान, सुनिए विस्तार से। ये सारा मामला सोच से शुरू होता है। क्या आप किस चीज को कहां से सोचते हो? हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा सीधी सोच है। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई आज तक हमारा एक ही बात है, हम सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं। हमारी सोच ही शुरू नहीं होती इस बात से। हमारे लिए अल्लाह अकबर ईश्वर हम सबको एक सम्मान मानते हैं। हमारी सोच साफ है कि देश को एकता अखंडता में बांधना है, मजबूत करना है, उसके लिए सभी को साथ लेके चलना हमारी फिलॉसफी है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये जिनकी सोच है इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमारे लिए इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति, सब एक धर्म, एक जाति, किसी वर्ग के हो, सब इम्पोर्टेंट है और सबका देश है। सब जब मजबूत होंगे तभी हमारा देश एक मजबूत देश बनेगा।